दुनिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में हुए आईपीएल 2019 के 23वें मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने दिनेश कार्तिक की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर विजय प्राप्त की है। सीएसके के तेज गेंदबाज दीपक चहर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना पाई। केकेआर के बल्लेबाज आंद्रे रसल ने 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 40 गेंदों में सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपर किंग ने 17.2 ओवर में ही 111 रन बनाकर जीत प्राप्त की। चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज फैफ डू प्लेसी ने 45 गेंदों में 43 रन बनाए। इस मैच के बीच मैदान में दिनेश कार्तिक की पत्नी दीपिका के बाजू में एक खूबसूरत महिला बैठी हुई थी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो महिला कौन है, तो आइए आपको बता देते हैं कि महिला कौन है। उस महिला का नाम जैसन लारा है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज आंद्रे रसल की पत्नी है। अपनी टीम के केकेआर का समर्थन देने के लिए जेम्स लारा मैदान पर आई थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से जेम्स लारा की उम्र क्या होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी